Very good morning, dear students. Today we will start Kingdom Animalia. We have studied about the Kingdom Plantae, Fungi, Protista and Monera. एक किंगडम और बचा हुआ है किंगडम एनिमलिया, तो ये लास्ट टॉपिक होगा. मीन्स एक दो टॉपिक में इस चैप्टर को हम क्लियर कर लेंगे. तो किंगडम एनिमलिया सबसे पहले जनरल फीचर्स, व्हाट आर द जनरल फीचर्स और जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एनिमलिया, यानी कि एनिमलिया किंगडम में किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को रखेंगे, क्या प्रॉपर्टी उस ऑर्गेनिज्म में होनी चाहिए ताकि उसको हम लोग किंगडम एनिमलिया में प्लेस कर सके. क्लियर. We also belong to Kingdom Animalia. A dog, a cat, snake, they also belong to Kingdom Animalia. तो Kingdom Animalia में वैसे properties का बात करेंगे जो सभी में common हो. ऐसा नहीं कि खुद का property लिख दिए तो ये animal का property होगा, आपका property होगा, human being का property होगा, है ना. ये general animalia kingdom का property नहीं होगा. तो Kingdom Animalia के property में उन properties का बात करेंगे जो एकदम लो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के अपर लेवल ऑफ यानी कि हायर एनिमल्स सभी में कॉमन हो, है ना. तो क्या है वो फीचर्स? सबसे पहले दे आर द यूकैरियोटिक, है ना. यूकैरियोटिक मीन्स वी नो वेरी वेल मल्टीसेलुलर होते हैं. कुछ एनिमल्स यूनिसेलुलर होते हैं जैसे कि प्रोटोजोआ वगैरह, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं बट मोस्टली दे आर द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना. कुछ यूनिसेलुलर भी हैं जैसे कि प्रोटोजोआ. हेटरोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मीन्स अपना खाना किसी और से लेते हैं या अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते. दे स्टोर्स ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट ये स्टोर करने का अपना अपना प्रॉपर्टी, अपना अपना क्वालिटीज होता है. जैसे प्लांट दे स्टोर ग्लाइकोजन इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, बट एनिमल्स दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. तो वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं. उस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को लोग एनिमलिया किंगडम में रख सकते हैं. लोकोमोशन अकर्स इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर और मेटिंग पार्टनर. क्लियर. मोस्ट ऑफ द एनिमल ऑर्गेनिजम्स ऑफ किंगडम एनिमलिया दे सो लोकोमोशन. एक जो एक्सेप्शन है जो कि लोकोमोशन सो नहीं करते, वो जो हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे वहां पे, है ना. बट मोस्ट ऑफ द एनिमल्स दे सो लोकोमोशन. अगर लोकोमोशन हो रहा हो, ठीक है, तो लोकोमोशन होने के लिए एटलीस्ट दो टिश्यू होने जरूरी है. बाकी टिश्यू तो है ही, बट ये दोनों टिश्यू का इम्पोर्टेंट रोल है. एक मस्कुलर टिश्यू जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है, दूसरा नर्वस टिश्यू जो लोकोमोशन के लिए डायरेक्शन का काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन का काम करता है, है ना. तो नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू ये एनिमलिया किंगडम की ही प्रॉपर्टी है, किसी दूसरे में इस टिश्यू का चर्चा नहीं होता. तो दीज आर द जनरल फीचर्स, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ किंगडम एनिमलिया. यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दे स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, लोकोमोशन अकर्स इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर और मेटिंग पार्टनर, दे हैव नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू. दीज आर द जनरल प्रॉपर्टी ऑफ किंगडम एनिमलिया. अटे अब किंगडम एनिमलिया को क्लासिफाई किया गया है, तो क्लासिफाई करने का कुछ बेसिस होना चाहिए. देर आर सम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. इफ वी लर्न द टर्म, तो अगर ये जो बेसिस है, अगर इन बेसिस में यूज होने वाले टर्म को हम लोग समझ लें, तो चार पांच पॉइंट लगभग हर एक क्लास का, हर एक फाइलम का हम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है. तो अगर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को हम लोग समझ लेते हैं, इसमें कुछ नए नए टर्म इंट्रोड्यूस किए जाएंगे जो क्लास 9 में पहली बार आप लोग सुनेंगे, है ना. तो पहले उन टर्म्स को समझ लेते हैं हम लोग बखूबी कि वो है क्या. अगर वो समझ लिए मीन्स किंगडम एनिमलिया समझिए कि 60% कंप्लीट. क्लियर. फिर उन टर्म का हम लोग सिर्फ इस्तेमाल करते चलेंगे, तो पहले वो टर्म समझने जरूरी है. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो किस प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड है. आइदर दे हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है.
कुछ ऐसे एनिमल्स हमें मिलेंगे, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हमें मिलेंगे इस किंगडम में जिनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब दे आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, दे आर मल्टी सेलर, बट उन सारे सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन ज्यादा नहीं है, ठीक है, कि वो सारे सेल मिल करके एक साथ काम करें, एक दूसरे के लिए काम करें। जैसे हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एक दूसरे के लिए काम करते हैं बिकॉज वी हैव वेल कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम, और टिश्यू तभी कहलाता है जब उसके बीच में कोऑर्डिनेशन हो और वो सब मिलजुल करके किसी एक मकसद से काम करते हो। लेकिन ऐसा कुछ एक ऑर्गेनिज्म में नहीं होता, ठीक है, तो जिसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऐसा नहीं है उसको टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे, सेलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है और ऑर्गेन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये हम लोग वहां पे देखेंगे जब आएंगे हम लोग डिफरेंट फाइलम्स में तब। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ये समझना है कि वो सेलुलर लेवल है कि टिश्यू लेवल है कि ऑर्गेन लेवल है। तो अगले फाइलम से हम लोग सिर्फ उसी लेवल का बात करेंगे, तो आप लोग समझ जाइएगा कि वो सेल का बना हुआ है कि टिश्यू का बना हुआ है, कि डिफरेंट ऑर्गेन उसमें पाए जाएंगे या नहीं पाए जाएंगे। दूसरा पॉइंट है बॉडी सिमेट्री, व्हाट डज इट मीन, ठीक है। सिमेट्री का मतलब हो गया, इसको यूं समझते हैं हम लोग कि क्या उसके बॉडी कंस्ट्रक्शन में कोई पैटर्न देखने को मिलता है या नहीं। अगर बॉडी में कोई एक खास पैटर्न है मतलब उसमें कोई सिमेट्री होगी, अगर कोई पैटर्न ही नहीं है तो वो एसिमेट्रिकल होगा, कोई सिमेट्री उसमें नहीं होगी। पैटर्न दो प्रकार का हो सकता है ना, किस प्रकार, तो सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल एक्सिस, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक सेंट्रल एक्सिस होगा बिल्कुल बीचों बीच, है ना। अब उस एक्सिस के अलोंग, उस सेंट्रल एक्सिस के अलोंग कितने प्लेन हैं जिसके थ्रू उस ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में बांटा जा सकता है। जैसे अगर ह्यूमन बींग कहीं बात करें, अपना ही बात करें हम लोग, तो हमारे जो सेंट्रल एक्सिस बिल्कुल बीचों बीच, तो बस एक ही वो प्लेन है यहां से कि यहां दो इक्वल हाफ में बट गया, है ना। अगर यहां से काटा जाए, ऐसे बांटा जाए ऐसे, तो हमारा बॉडी दो इक्वल हाफ में बट जाएगा। दो इक्वल हाफ में अगर बट जाता है इक्वली थ्रू जस्ट वन प्लेन, ऐसे बांटेंगे तो इक्वल हाफ नहीं बटेगा, ऐसे बांटेंगे यहां से तो दो इक्वल हाफ नहीं बटेगा, सिर्फ एकमात्र यही एक प्लेन है जिसके थ्रू दो इक्वल हाफ में बांटा जा सकता है। तो इस प्रकार का कोई ऑर्गेनिज्म हो जिसे सिर्फ एक ही प्लेन के थ्रू दो इक्वल हाफ में बांटा जा सके, उसे बोलते हैं हम लोग बाइलैटरल सिमेट्री, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसे किसी भी प्लेन से काट दो, ठीक है, किसी भी तरह से काट दें तो वो दो इक्वल हाफ में बट जाते हैं। उस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, क्लियर। तो रेडियल सिमेट्री शुरुआत कहीं कुछ फाइलम में देखने को मिलेंगे, बट मोस्ट ऑफ द फाइलम्स दे सो बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। रेडियल सिमेट्री कहने का मतलब अगर उस एनिमल को किसी भी प्लेन के थ्रू काटा जाए तो दो इक्वल हाफ में बट जाएगा। जैसे कि स्टार फिश, लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम, दिस एग्जांपल ऑफ रेडियल सिमेट्री। से स्टार फिश का बात करते हैं, तो स्टार फिश को हम लोग किसी भी एक्सिस के अलोंग यहां से ऐसे भी दो इक्वल हाफ में बांटा जा सकता है, ठीक है, यहां से ऐसे भी दो इक्वल हाफ में बांटा जा सकता है, यहां से ऐसे भी दो इक्वल हाफ में बांटा जा सकता है, ठीक है। तो इसे किसी भी प्लेन के थ्रू दो इक्वल हाफ में बांटा जा सकता है। तो इस प्रकार के एनिमल्स को बोलते हैं और रेडियल सिमेट्री, और एनिमल ह्यूमन के बाद कहीं हूं एक ही वो प्लेन है जिसके थ्रू दो इक्वल हाफ में बांटा जा सकता है। इस प्रकार से अगर कहीं लिखा है बायलैटरल सिमेट्री तो समझ जाएंगे हम लोग, और कहीं लिखा है रेडियल सिमेट्री तो समझ जाएंगे हम लोग कि उसको कितने तरीके से दो इक्वल हाफ में बांटा जा सकता है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट है बॉडी कैविटी, प्रेजेंट और एब्सेंट। बॉडी कैविटी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है या एबसेंट है, इसके आधार पे भी हम लोग एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं। अगर बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट देन कॉल्ड सिलोमैट, इफ बॉडी कैविटी इज एबसेंट देन कॉल्ड ए सिलोमैट, ठीक है। बॉडी कैविटी को सिलोम बोलते हैं, ठीक है, सिलोम, सी ओ। अगर बॉडी कैविटी प्रेजेंट है तो इसी को सिलोमैटिक वर्ड बता देंगे हम लोग, और अगर बॉडी कैविटी एबसेंट है तो बोलेंगे ए सिलोमैटिक।
कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिसमें फॉल्स बॉडी कैविटी पाया जाता है, उसे बोलेंगे हम लोग सीडो सिलोमैटिक। सीडो मीन्स फॉल्स, क्लियर। तो इस सिलोम के आधार पर, यानी कि बॉडी कैविटी पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा है, उसके आधार पर भी हम लोग एनिमल को क्लासिफाई करते हैं। तो कुछ एनिमल में लिखा होगा सिलोमैटिक, कुछ में लिखा होगा एसिलोमैटिक, और एक आध में लिखा होगा सीडो सिलोमैटिक। तो उस वर्ड का मतलब समझ में आ जाएगा। सिलोमैटिक लिखा है मीन्स क्या, मीन्स उसके बॉडी के अंदर ट्रू बॉडी कैविटी या सिलोम पाया जा रहा है। एसिलोमैटिक मीन्स उसके बॉडी के अंदर किसी प्रकार का कैविटी या सिलोम नहीं है। सीडो सिलोमैटिक मीन्स उसके बॉडी के अंदर सिलोम है, बट दैट इज नॉट द ट्रू सिलोम, दैट इज नॉट द ट्रू बॉडी कैविटी, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड इज, या नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज जर्म लेयर, ठीक है। जर्म लेयर के आधार पे दो प्रकार का ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। जर्म लेयर मीन्स द ऑर्गेनिज्म हैव टू लेयर और थ्री लेयर ड्यूरिंग देयर एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, ठीक है। जब वो एम्ब्रायनिक फेज में डेवलप कर रहा था, तो बस एक चीज हम लोग समझते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसका शुरुआत होता है रिप्रोडक्शन में कहां से, तो होता है जायगोट के फॉर्मेशन से। जायगोट एक सिंगल सेल का बना हुआ है ना, एक सिंगल सेल का जायगोट। अब एक ही जायगोट अभी डिवाइड होकर एक से दो होगा, दो से चार होगा, चार से आठ होगा, इस प्रकार से ये सेल का एक लेयर बनाता हुआ चला जाता है, ठीक है। तो इसी क्रम में जब ये सेल का डिफरेंट लेयर्स बना रहा होता है, उसी को हम बोलते हैं जर्म लेयर्स। और ये जर्म लेयर जब ये ऑर्गेनाइज होते हैं, तब ये ऑर्गेनाइज होकर के दो डिफरेंट लेयर में आ रहे हैं या तीन लेयर्स में आ रहे हैं, ठीक है। इसी के आधार पर हम लोग ऑर्गेनिज्म को डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म नाम देते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। डिप्लोब्लास्टिक यानी कि हैविंग ओनली टू लेयर्स, टू जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स हैविंग थ्री जर्म लेयर, एक्टोडर्म, इंडोडर्म, और बीच में होता है मीजोडर्म। तो आगे जो हम लोग डिफरेंट फाइलों की बात करेंगे, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक है, बस इतना ही हम लोग डिस्कशन करेंगे, और हमको समझ जाना है कि क्या होगा, ठीक है, व्हाट डज इट मीन। इस प्रकार से एक एक पॉइंट लिखते चले जाते हैं, तो हर एक फाइलों का चार पांच पॉइंट हमारे पास लिखा हुआ मिल जाएगा। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या एबसेंट है, अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है किसी भी फेज में, एम्ब्रायनिक फेज में हो या फिर एडल्ट फेज में हो, अगर एनिमल में किसी भी फेज में नोटोकॉर्ड पाया जा रहा है, तो वैसे एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं कॉर्डेट्स। अगर नोटोकॉर्ड एबसेंट हो तो उसे बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स, वी बिलोंग्स टू कॉर्डेट्स, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट लेवल ऑफ बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर। ताकि हम लोग चर्चा क्या क्या करेंगे, हम लोग हर एक फाइलम में चर्चा करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, कि टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है कि ऑर्गेन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। बॉडी सिमेट्रिक का बात करेंगे कि बॉडी रेडियली सिमेट्रिक है, बायलैटरल सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक मतलब कोई पैटर्न देखने को ना मिले। फिर बात करेंगे हम बॉडी कैविटी का, क्या उसके अंदर बॉडी कैविटी पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा है। अगर पाया जा रहा है तो लिखेंगे हम लोग दे आर द सिलोमैटिक ऑर्गेनिज्म, अगर एबसेंट है तो लिखेंगे दे आर एसिलोमैटिक ऑर्गेनिज्म, और एक आध ऐसे फैला होंगे जहां पे सीडो सिलोम पाए जाते हैं, तो उसको लिखेंगे हम लोग सीडो सिलोमैटिक, ठीक है। जर्म लेयर का चर्चा हर एक में करेंगे हम लोग कि वो एक डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक है मीन्स दे हैव ओनली एक्टोडर्म एंडोडर्म, और ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स दे हैव एक्टोडर्म एंडोडर्म एज वेल एज मीजोडर्म आल्सो। अब नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या एबसेंस है, इसके आधार पर हम लोग बोलेंगे वो कॉर्डेट में आएगा या नॉन कॉर्डेट में आएगा। इसके अलावा एक दो और पॉइंट पे चर्चा हम लोग हर एक फाइलम में करेंगे, और वो पॉइंट है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल हो रहा है या एसेक्सुअल हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि जैसे जैसे फाइलम्स का नाम हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे डिफरेंट फाइलम्स में, है ना, तो जैसे जैसे फाइलम आगे बढ़ता जाएगा वो एसेक्सुअल से सेक्सुअल की ओर मूव करते जाएगा। यानी शुरुआती फाइलम में एसेक्सुअल होगा और बाद के फाइलम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिर हम लोग बात करेंगे कि वो हर्मोफ्रोडाइट है या फिर यूनिसेक्सुअल है ना। इस प्रकार से फिर चर्चा हमारा आगे बढ़ेगा, फिर तो इन सारी बातों को चर्चा करते हैं हम लोग अपने फाइलम्स को आगे बढ़ाएंगे। क्या क्या फाइलम है, सारे का नाम एक और हम लोग देख लेते हैं बस। नौ
व्हाट आर द डिफरेंट फैलन्स ऑफ किंगडम इन एरिया, तभी सबका नाम सिर्फ हम लोग देख लेते हैं कि वो क्या क्या नाम है जो कि हम लोगों को पढ़ना है किंगडम एनिमेरिया में। तो फर्स्ट किंगडम इज पोरीफेरा, ठीक है, एक एक प्रॉपर्टी भी बता देते हैं और बाकी डिस्कशन लोग अगले पीरियड में करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। पोरीफेरा एज नेम इंडिकेट्स, इसके पूरे बॉडी पे पोर्स पाए जाते हैं, है ना, इसलिए इसका नाम पोरीफेरा हो गया, यानी कि पोरस एनिमल्स। सिलेंट्रेटा, ठीक है, सिलेंट्रेटा दिस द नेक्स्ट फैलन, जिसमें कि सिलोम जैसा कुछ कुछ बनना शुरू हुआ है अभी। प्लेटी हर्मिन्स नाम में इसका फ्लैट वर्म कॉमन नेम, यानी कि दीज आर द फ्लैट ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल पेड़ के पत्ते की तरह चपटा, है ना, तो जो भी फ्लैट है वर्म्स होंगे दे बिलोंग टू प्लेटी हर्मिन्स। नेक्स्ट वन इज द निमेटोडा, जिसका बॉडी ऑफ फ्लैट था वो राउंड हो चुका है, तो राउंड वर्म, है ना, इसमें हम लोग को इवोल्यूशन भी देखने को मिलेगा, पोरीफेरा से डेवलप सिलेंट्रेटा, उससे बेहतर प्लेटी हर्मिन्स, उससे बेहतर निमेटोडा। निमेटोडा जिसको ग्राउंड वर्म बोलते हैं, इसका बॉडी राउंड होगा। इसके बाद आता है एनेलिडा, दे हैव दे आर नोन एज सेगमेंटेड वर्म, क्योंकि उसका बॉडी देखने से, बाहर से देखने से डिफरेंट सेगमेंट में बटा हुआ लगता है। आर्थ्रोपोडा दिस इज द लार्जेस्ट फैलम ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर, सबसे अधिक संख्या ऐसी फैलम में होती है ऑर्गेनिजम्स की आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा दे हैव ज्वाइंटेड लेग, ये इसका स्पेशल फीचर है, यानी कि इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखते हैं विच हैव ज्वाइंटेड लेग। मोलस्का, नेक्स्ट फैलम इज अ मोलस्का, इट मीन्स सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, इसमें ऐसे एनिमल रखेंगे जिसका बॉडी सॉफ्ट होता है, चूंकि बॉडी सॉफ्ट है तो उसके ऊपर कोई हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर कवरिंग पाया जाएगा उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, जैसे कि स्नेल के ऊपर। मोलस्का आठवां है इकैनोडर्माटा, इट मीन्स स्पाइनी स्किन एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जिसके स्किन के ऊपर स्पाइन्स यानी कांटे नुमा स्ट्रक्चर कुछ पाए जाते हैं, है ना। तो ये फाइलम 1-8, ये जो फाइलम्स हैं दे आर द नॉन कॉर्डेट, क्योंकि इनमें कहीं भी हम लोग नोटोकॉर्ड का चर्चा नहीं करते। और लास्ट में है नौवां नाइन्थ फाइलम विच हैव नोटोकॉर्ड एंड दे बिलोंग टू फाइलम कॉर्डेटा, हम लोग इसी फाइलम में आते हैं, है ना। तो फाइलम कॉर्डेटा के अंदर फिर सब फाइलम है, उसका चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। तो पहले इन सारे फाइलम्स का नाम आप लोग को याद कर लेना है, हर एक नाम आपको बिल्कुल नया लगेगा, इसको एक बार दो बार पढ़ना है, समझना है, है ना। हर एक नाम के साथ हम एक ब्रैकेट में कॉमन नेम उसका दिए हैं, इस कॉमन नेम के आधार पे बेसिक प्रॉपर्टी उसका एक दो हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, और जो जनरल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात किए थे दो चार पॉइंट वहां से लेंगे, और इस प्रकार से हम लोग कल इसको क्लासिफाई करना सीखेंगे, है ना। चलिए, टेक केयर।